मायने में शादाब में हूँ अभी अजमेर के अंदर जवाद चिश्ती साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो जवाद भाई, इस वीडियो के अंदर हम सरकार गरीब नवाज की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जैसा कि वो कहाँ से तशरीफ लाए और कब से यहाँ अजमेर के अंदर हैं, उसके बारे में बताइए। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ولينا محمد وعلى آله وصحبه ولبيته زوجة المعين شداب بھائی سرکار حضور غریب نواز جن کا نام سید حسن چشتی تھا جی آپ سنجر میں پیدائش ہوئی غریب نواز سرکار کی پیدائش کے وقت حضرت خواجہ غیاث الدین غریب نواز کے والد اور غریب نواز کی والدہ ماجدہ بی بی ماہنور عرف ام الورا نام تھا جی آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد نے حسن نام رکھا और समय पहली चीज़ सरकार हुजूर गरीब नवाज जब यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आपकी उम्र मुबारक 50 साल से ऊपर थी जी। सरकार हुजूर गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हरवन शरीफ में आप गरीब नवाज हज़रत जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर बगदाद शरीफ के अंदर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए जी। जब आपने तालिब बैत के अंदर हासिल हुए तो आपने अपने दीनी तालीमात के लिए 22 साल अपने पीर मुर्शिद की खिदमत की। 22 साल पीर मुर्शिद की खिदमत करने के बाद जब गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ने आपको अल्लाह की बारगाह में पेश किया, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर की बारगाह में पेश किया, तो आपका लकब वहाँ से मोइनुद्दीन मिला। गरीब नवाज का लकब है मोइनुद्दीन, उन्हें गरीब नवाज का भी लकब जो जाना जाता है असली नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। सरकार हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, आप इमाम मूसा काज़िम के औलाद हैं और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी गरीब नवाज के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। तो अभी हाल आप जो है खादिम हैं जी भाई, आप लोग कब से चला आ रहा है सिलसिला? 850 साल से हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी रज़ी अल्लाह तआला की औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब नवाज के दरबार की खिदमत करती हुई आ रही है। जी जो भी औलाद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी यहाँ मौजूद है दरबार के खुद्दामीन के नाम से जोड़ा। जी अगर खून के रिश्ते की बात की जाए तो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी रज़ी अल्लाह तआला गरीब नवाज के भाई हैं जी। पर जितने भी खुद्दामीन आज हम यहाँ मौजूद है, गरीब नवाज का खादिम अल्फाज़ी कहा गया। पूरी दरगाहों पर जितने वली अल्लाह की बारगाह हैं वहाँ सज्जादा नशीन हुए, गद्दी नशीन हुए जी, आप उनके औलाद लिखा लोगों ने। पर सिर्फ दुनिया में तीन जगह ही खादिम हजरात का इस्तेमाल हुआ है जी, खादिम हरफैन शरीफ जी, खादिम मस्जिद नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खादिम इमाम हुसैन और खादिम गरीब नवाज। तो आप कौन सी पीढ़ी है इसके भाई? सरकार हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी से जोड़ा जाए तो आज 23वीं पीढ़ी यहाँ मौजूद है। कौन सी? 23वीं। तो यहाँ पर जो लंगर का सिलसिला चला आ रहा है उसके बारे में बताइए, कब से चल रहा है और क्यों? भाई छोटा सा आपका वक्त लूंगा, 2 मिनट के मैसेज है। सरकार गरीब नवाज की हयात मुबारका के अंदर सरकार रोजे से थे जी, जी। गरीब नवाज सरकार रोजे की हालत में थे और जब उनका अकीदत मंद जी जो गैर मुस्लिम था गरीब नवाज की बारगाह में फूलों का, हमारे राजस्थान का कल्चर है जी कि फूलों को टोकरे को सजा के अपने पीर के लिए पेश किया जाता है जी, जी। तो आज भी भगवानों में जो मंदिर में जाते हैं तो वो पेश करते हैं। बिल्कुल। वो गैर मुस्लिम था गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला शख्स, बिल्कुल। उसने आके गरीब नवाज की बारगाह में वो तोहफा नजर किया जी, जब पेश किया तो गरीब नवाज सरकार रोजे की हालत में थे जी, तो उससे बहुत बड़ा मैसेज भी गरीब नवाज ने दिया। सरकार रोजे की हालत में थे, जोहर का वक्त हो चुका था, नमाज फारिग करके पहुंचे, गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, वो शख्स उठ के नहीं जाने लगा, मना कर कि आप आए तो मैं आपके सामने, मेरे सामने आप एक इसमें फ्रूट खा लें जी, फलों का टोकरा था पूरा जी, जी। तो आपने नोश फरमा लिया जी। तो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी रज़ी अल्लाह ताला जो गरीब नवाज के भाई और जिनको गरीब नवाज ने अपना लंगर खाना संभाला था, जो हमारे जद्दे अमजद हैं जी, उन्होंने इशारों आंखों के अंदर इशारों में पूछा कि सरकार आपका तो रोज़ा है, गरीब नवाज ने आंखों से मना कर दिया, खामोश हो जाओ। वो शख्स उठ के चला गया, वो खुश हो गया और दीन इस्लाम पे कलमा तौहीद वसल्लम के दीन को कबूल फरमाया जी। तो सरकार हुजूर गरीब नवाज से ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी ने उस शख्स के जाने के बाद पूछा कि सरकार आपका रोज़ा था, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं रोजे का कुफारा अदा कर सकता हूँ 60 दिन के रोजे रखे, पर किसी का दिल तोड़ दूंगा तो उसका कुफारा नहीं है। तो इंसान को परखा जाता है उसके दीन से और इस्लाम से, इस्लाम में वो तालीमा दी जाती है जो मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैसेज। ये गरीब नवाज के भाई जितने खुदाम आजाद हैं उनके औलाद हैं जी, जी। और इन्हीं की वजह से दरवाशी को चाबियां मिली जी। गरीब नवाज ने अपने हाथ से जो कुरान शरीफ लिखा था वो सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के जितने खुदा में आजाद है जी, सब बराबर है, वो सबके पास रहते हैं जी, लेकिन दिन सबका बटा हुआ है। बिल्कुल। गरीब नवाज सरकार के आस्थानों में जो नीलों वगैरह पेश किया जाता है जी, जी। और जो भैयानी चादरें पेश करते हैं भाई, तो दरवाशे का स्टोर रूम भी चादर है जी, जी। और जब गुसल होता है सरकार का उसके अंदर उसका इस्तेमाल जो सामान किया जाता है गुसल में जी, जिनमें संदर्भ शिप जो पेश होता है जी, संदर्भ शिप इसके अंदर पेश किया जाता है इसके अंदर जी भाई, इस प्याले के अंदर। और जो चीज़ें इस्तेमाल आस्थाने के अंदर होती है वो सब चीज़ें यहाँ रखी होती हैं। सुभान अल्लाह।
जैसा कि आपका हुजरा बना हुआ है यहाँ पर जी भाई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। भाई जितने भी खुदामी हजरत मौजूद हैं यहाँ पर, जितने भी हुजरे मौजूद हैं जी, ये हुजरे हमारे बुजुर्गों की झोपड़ियाँ थी। अच्छा, हमारे बुजुर्ग हजरत यहीं रह रहे हैं 23वीं पीढ़ी 850 साल से लेकर, जितने भी खुदामी मौजूद हैं यहाँ पे उन्हीं के पास दरवाजे को खोलना बंद करना, खिदमत करना, बिल्कुल अंदर की साफ सफाई, अंदर का मेंटेनेंस आस्ताने अकदस का। तो हुजरे हमारे बुजुर्गों के हुजरे थे, झोपड़ियाँ थी। जब दरगाह तवील करने की बात आई तो हम लोगों ने समय पहले हमारे बुजुर्गों ने झोपड़ियाँ देकर दरगाह को तवील करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको विरासत में मिला आया जी भाई, बहुत अच्छी बात भाई है। भाई सब में पहली चीज़ विरासत से हम लोग कहते हैं कि हम गरीब नवाज की खिदमत कर रहे हैं, पहले गरीब नवाज को हम गुलाम बेहतर है जी, हम वरसे में गुलाम ही बेहतर कबूल फरमाते हैं। इससे अच्छा लोग जो लिखते हैं कि भाई हम मालिक हैं, नहीं, हम गुलाम ही बेहतर नाज करते हैं। भाई मेरे वालिद बी डॉक्टर सैयद नजमुल हसन चिश्ती जी, सरकार हुजूर गरीब नवाज के दरबार के खादिम गद्दी नशीन खाक नशीन, आप गरीब नवाज सरकार के भाई हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन कुर्दीसी रज़ी अल्लाह तआला की 22वीं पीढ़ी है, 22nd जनरेशन है। आप दरबार शरीफ के अंदर खिदमत के साथ साथ दीनी तालीमात पे, दुनियावी तालीमात के अंदर उर्दू की अदबी शायरी के ऊपर डॉक्टरेट के लिए PhD कर लिए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कौन सी किताबें जो है आपने लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सीमा पे लिखी है, छोटा सा किताबचा है ताकि लोगों को पता चले कि कव्वाली क्या है, किस तरीके से होती है और कब से शुरू हुई है, वो सब इसी में तहरीर किया गया है। इसके अलावा 40 अहादीस है अहले बैत की शान में, अरबईन मोइन के नाम से उर्दू और हिंदी में दोनों में छपी हैं, 40 हदीसें हैं ये अहले बैत की शान में, पंजतन पाक के खलफा राशिदीन की और सहाबा इकराम की शान में, 40 हदीसें इसी तरह जमा की हैं ये। ये एक गरीब नवाज के सवाने आयात में मुख्तसर सी किताब है, ये या गरीब नवाज के नाम से छापी गई है, बहुत मुख्तसर है और जामे किताब है। गरीब नवाज की तमाम सामान्य आयात और इसमें मुकम्मल आयात और तालीमात को समेट दिया गया है मुख्तसर सी किताब में, क्योंकि इस ज़माने में इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मोटी मोटी किताबें पढ़े। बिल्कुल, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि छोटी छोटी किताबों में छोटे छोटे मौजू लेकर के एक एक मौजू के ऊपर छोटी छोटी किताब तहरीर की जाए और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि सूफियों ने किस तरह से मोहब्बत बांटी है दुनिया में और किस तरह मोहब्बत का पैगाम आम किया है, हुजूर गरीब नवाज ने किस तरह यहाँ के इस्लाम तबलीग की है और लोगों को गले से लगाया है और चिश्ती सिलसिले की अशात की है और इसको खूब फैलाया है इनके गरीब नवाज ने और गरीब नवाज के मुरीदे ने। एक ही किताब है हालात मशायख चिश्त वसी रसूल से नायब रसूल तला, तमाम मौलाए कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजू से लेके हुजूर गरीब नवाज तक सिलसिला चिश्तिया आलिया के जितने बुजुर्गान दीन हैं सबकी सवाने इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा तसव्वुफ़ की बातें भी जी जी मुकम्मल होने वाली है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला शाय हो जाएगी। इसके अलावा गरीब नवाज की करम से अल्लाह की मेहरबानी से एक कुरान शरीफ लिखा गया है जो 8 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है माशाल्लाह, और उस वक्त जब ये 8 से 12 साल पहले यहाँ आस्थाने अक्दस में रखा गया था उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कलाम पाक था। ये लॉकडाउन के अंदर जैसे 7 सितंबर को दरगाह स्टार्ट हुई है जी भाई, तो अभी क्या गैदरिंग का ख्याल थोड़ा रखा जा रहा है? सबसे पहली चीज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके लिए मास्क जी, और दूसरी सबसे बड़ी रियायत लोगों को दी जा रही है कि अंदर आके आप वजू कर लें जी, वजू सैनिटाइज से बेहतर है आप अंदर आके वजू कर लें, बिल्कुल पेपर सोप अंदर लिया है अपने पेपर सोप से यूज कर लें आप, बिल्कुल। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप, जैसे कि इस बार उर्स अभी कुछ कन्फर्म नहीं है जी, उसके बारे में? भाई उर्स गरीब नवाज सरकार का रजब के महीने में होता है, बिल्कुल आने वाले उर्स के अंदर फरवरी के अंदर लास्ट पड़ेगा जी, तो उसके अंदर ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए उर्स फॉलो करते हुए कर सकते हैं। जैसा कि और भी चीजें ज्यादा नहीं हूँ जी, हाँ और भी चीजें जैसे स्टार्ट हो गई हैं, दूसरे अपन रिलीजन्स को देखें तो ये भी सब हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा गाइडलाइन को भाई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करना बेहतर है। और सबसे पहली चीज गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जी, आज हम आते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर हाजिरी दे रहे हैं, गरीब नवाज की बारगाह में कोई मजहब और मिल्लत का लोग हर तरीके के लोग आते हैं जी, और आज भी आने वाले जायरीनों के अंदर 80% गैर मुस्लिम है, जहाँ मोहब्बत मिलेगी तो लोग वहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल, गरीब नवाज सरकार ने अपनी हयात मुबारका में और अभी भी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सरकार की बारगाह से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं आप? जी भाई 9983442265। बहुत अच्छी बात है जावेद भाई, आपसे मिल गया हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप
हाजिरियाँ भी करवा देते हैं हमें, बहुत अच्छी तरीके से आपने हाजिरी कराई। हम काफ़ी टाइम से अजमेर आ रहे थे लेकिन आज जो पहली वक्त आपसे मिले और आपने हमारी हाजिरी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें अच्छा लगा। शादाब भाई, सब में पहली चीज़ कि आप गरीब नवाज के मेहमान हो ना कि मेरे मेहमान हो। बिल्कुल, आप यहाँ आए हो इतनी दूर से सिर्फ सरकार की हाजिरी करने के लिए। बिल्कुल, और सरकार हुजूर गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ अदा करता है। गरीब नवाज जिंदा जावेद है और लोगों के लिए जो दुआ फरमा रहा है अल्लाह पाक कबूल फरमा रहा है। बेशक, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।